हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ठीक है सो आज फर्स्ट डे है हमारे 2021 का सो आई होप कि ये सबका अच्छा जाए ये साल 2020 की तरह ना हो ओके सो जहाँ भी आप अपना ख्याल रखिए ओके सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टॉपिक सो so, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल्स ओके ये पार्ट वन है इस सीरीज का आगे और भी इससे जुड़े हुए पार्ट्स में बनाने वाला हूँ सो so, देखिए उन पार्ट्स में क्या क्या होगा ओके okay. सो so, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है ठीक है दिस वन लीनियर इक्वेशंस और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है उसके बाद हम जानेंगे सेकेंड पार्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें कि ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं वो क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर सेंटेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और उनको कैसे अप्रोच करना है वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे आने वाली वीडियोस में और लास्ट में सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ठीक है so, सो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पे जो मैं मैंशन किया हूँ इन सब के बारे में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ ठीक है so, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ओके okay? सो so, इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी टॉपिक तो so, क्या नाम है इसका लीनियर इक्वेशन ठीक है तो सबसे पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है ठीक है इक्वेशन तो कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो बहुत जरूरी है इसको हम बोलते हैं क्या लीनियर इक्वेशन क्यों क्योंकि देखिए यहां पे ए और बी जो है ठीक है ये है रियल नंबर्स मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है जीरो प्लस की तरफ या माइनस की तरफ ठीक है लाइक माइनस वन टू थ्री ओके प्लस थ्री बट दे के नॉट बी जीरो याद रखिए ये मैंने मेंशन रॉन्ग किया जीरो नहीं हो सकता दे कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन जीरो ओके और ये जो x है x को क्या बोलते हैं वेरिएबल ठीक है यहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल अगर यही मैं लिखूं यहां पे चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं इफ आई राइट ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देखिए यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं x है y है तो एक्स वाई क्या है यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं ये अलग अलग x का वैल्यू अलग हो सकता है y का अलग और ये जो a b और c है ये क्या है ये है रियल नंबर्स ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं माइनस में या प्लस में वन नहीं मतलब मैं नंबर का एग्जांपल ले रहा हूं कोई भी हो सकता है और यहां पे एक जरूरी बात ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए ये इंपॉर्टेंट है राइट right? ए अगर जीरो हो गया तो एक्स भी जीरो हो जाएगा देन इट विल नॉट बिकम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ओके सो इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आया वेरिएबल मतलब सिर्फ x रहा या सिर्फ y रहा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है x और y दोनों रहा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और यह यहाँ पे सिर्फ एक है इसीलिए इसको सिर्फ हम अ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं अगर और एक मैं लिखता यहाँ पे ठीक है ले लीजिए एग्जाम्पल इफ आई राइट ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और एक लिखता मैं x प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो देखिए ये दोनों सेम लीनियर इक्वेश्स हैं राइट तो इसको मैं अलग दिखने के लिए लिख देता हूँ a1 वन ये बी इसको c1 और ये a2 टू ये बी और ये c2 तो यहाँ पे लीनियर इक्वेश्स ही हैं लेकिन दो हैं पेयर में है पेयर मतलब क्या होता है जोड़ी में राइट तो इनको बोला जाएगा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ठीक है दोनों के दोनों क्या है लीनियर ही हैं, लेकिन पेर में है पेर मतलब जोड़ी में है राइट देखिए, ये एक और ये दोनों सेम टू सेम है बट एक साथ है इसीलिए इनको बोलते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो आपने देखे ही होंगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इनके जैसे टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू थ्री ओके अब देखिए, यहाँ पे ए क्या है अगर मैं सिर्फ इसको इससे कंपेयर करूं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो से कंपेयर करूं तो ये टू एक्स है ये फोर वाई है और सी देखिए यहाँ पे ये राइट right साइड में तो इसको जब हम लेफ़्ट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री इजिकल टू ज़ीरो तो अब कंपेयर करिए देखिए एक्स एक्स सेम है यहाँ वाई वाई सेम है मतलब ए का वैल्यू क्या है टू यस बी का वैल्यू क्या है फोर और यहाँ सी का वैल्यू क्या है थ्री बट यहाँ आपको साइन भी देखना है ये प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस रिटर्न है सो यू हैव टू राइट इट एज नेगेटिव यहां देखिए ये प्लस ही है ये भी प्लस था तो साइन देखना जरूरी है अगर माइनस रहा तो माइनस लिखना है प्लस है तो जस्ट राइट द नंबर ओके चलिए ओके तो अब आ जाते हैं इससे कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक से देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ग्राफिकली यहां तो ये अल्जेब्रिकली लिखा हूं मैं राइट ये ग्राफिकली मतलब जब इसको ग्राफ मतलब इसके वैल्यूज अब वैल्यूज क्या है एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज मिलेंगे उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस वो क्या होते हैं सॉल्यूशंस वो अगले वीडियो में बताने वाला हूं फिलहाल यहां पे आप बस ये समझ लिए कि एक्स और वाई के जो वैल्यूज आते हैं इससे रिलेटेड उसको हम जब ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे उन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है तो याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन फॉर्म से स्ट्रेट लाइन ग्राफिकली ठीक है क्या बनता है उससे स्ट्रेट लाइन तो देखिए एक लीनियर इक्वेशन से एक ग्राफ बनेगा सॉरी एक लाइन बनेगा अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहा तो दो लाइन बनेगा राइट तो ये देखिए जरूरी है अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे दट इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू टू जीरो अगर मैं दो लीनियर इक्वेशंस लू ठीक है तो इनके इसके लिए भी एक लाइन होगा और इसके लिए भी एक लाइन रिप्रेजेंट होगा किसमें ग्राफ में करेक्ट अब देखिए ये जो लाइंस हैं ये मान लीजिए एक लाइन है इट इज ए स्ट्रेट लाइन अब अगर मैं दो लाइंस ले रहा हूं तो तीन कंडीशंस वो कंडीशनो लाइन हैं राइट या तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे या पैरेलल नहीं होंगे पैरेलल नहीं मतलब इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर एक लाइन उसी लाइन के ऊपर होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये एक लाइन है अगर मैं इसके ऊपर और एक लाइन चढ़ा दूं इसे तो दोनों एक ही लाइन के ऊपर है तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन तो इसको बोला जाता है दोनों अगर पैरल है तो पैरल लाइंस। अगर पैरल नहीं है इंटरसेक्टिंग है मतलब एक दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग तो लाइंस है, Line, दो हैं इसलिए लाइंस यहां भी पैरल लाइंस और ये दोनों लाइन एक ही के ऊपर होंगे तो उनको बोलेंगे को इंसीडेंट लाइन्स ओके है ना, सो so, अब देखिए ये ये दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो मैंने अभी बताया कि या तो वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो हमें पता कैसे चलेगा कि दिया हुआ जो इक्वेशन है कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इधर वो पैरल है या कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं ठीक है कंडीशंस हैं डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर द लाइंस आर पैरल इंटरसेक्टिंग और व्हाट कोइंसिडेंट अब वो क्या है देखिए पैरल कब होगा पैरल का कंडीशन क्या है ये जो कोइफिशियंट है ए वन ए टू तो यहां मैं लिख देता हूँ ए वन बाई ए टू फिर बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू है ना इसके वाई के कोफिशियंट्स इधर है और सी दैट इज कॉन्स्टेंट तो देखिए अगर रेशियो ए वन बाई ए टू इक्वल रहा b1 वन बाई बी से बट इक्वल नहीं है c1 वन बाई सी से तब इसको हम क्या बोलते हैं पैरल लाइन ठीक है line, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा अगर ऐसा कंडीशन रहा तो पैरल लाइन रिप्रेजेंट करेगा ओके okay, इंटरसेक्टिंग कब रिप्रेजेंट करेगा ये इंटरसेक्टिंग कब रिप्रेजेंट करेगा देखिए सेम लिखिए a1 वन बाई ए टू बी वन अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू तीसरी की तरफ आप जाइए ही मत अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू ईच अदर है देन, देन हम बोलते हैं क्या इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेगा ये इक्वेशन थर्ड क्या है कोइंसिडेंट ये कैसे पता चलेगा कि ये लाइन को इंसिडेंट कोइंसिडेंट है कि नहीं तो देखिए अगर मैं लिखा ए वन बाई ए टू अगर ये इक्वल है बी वन बाई बी टू से और वो इक्वल है सी वन बाई सी टू से तो हम बोलेंगे क्या कि द लाइंस आर कोइंसिडेंट राइट right? तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है अब देखिए याद रखने का ट्रिक बताता हूं पैरेलल में देखिए पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं ऐसे तो कितने हैं ये लाइंस ये दो मतलब क्या कि सिर्फ दो इक्वल होगा ऐसे याद रख सकते हो तीसरा इक्वल नहीं होगा सिर्फ दो यहां देखिए ये एक ये एक तो दो इक्वल होगा मीन्स सिर्फ पैरेलल थर्ड वाला इक्वल नहीं है इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग कैसा होता है क्रॉस जा भाई बोल दिए एक गलत है नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते क्रॉस इंटरसेक्टिंग मतलब इक्वल नहीं है देखिए ऐसे में बोलेंगे इक्वल नहीं है राइट सो इट मीन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग को इंटरसेक्टिंग इंटरसेकटिंग को मतलब साथ साथ जा रहे हैं राइट right? पहला वाला उसी के ऊपर दूसरा वाला यहाँ पे चल रहा है पारिवारिक फिल्म हम साथ साथ हैं राइट right? साथ, साथ हैं मतलब सबके सब बराबर हैं तभी बोलेंगे हाँ सच में साथ हैं और न झगड़ा करेंगे राइट right? <laughs> तो सब बराबर हैं हम बोलेंगे क्या साथ साथ है साथ साथ है मतलब को इंसिडेंट तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा अब चलिए इसके ऊपर कुछ examples ले लेते हैं okay? so our first example ये अगर मैंने यहां पे क्वेश्चन दे दिया पहला एग्जाम्पल लिखता हूं कि x माइनस टू वाई इज इकल टू जीरो तो इसको सबसे पहले आपको तो इस फॉर्म में लिखना है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू ज़ीरो और यहाँ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजिकल टू ज़ीरो अब यहाँ देखिए एक्स वाई है लेकिन सी नहीं है तो हम सी के बदले जीरो लिख लेंगे तो यहाँ ये यह है एक्स माइनस टू वाई और सी नहीं है तो उसके बदले ज़ीरो लिख लेते हैं और ये जीरो है और यहाँ पे क्या है थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो राइट तो आप ऐसे लिख लो यहाँ पे ए वन क्या है ए वन है ए वन क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है तो एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया मतलब वन है सो दिस इज वन बी वन क्या है बी वन क्या है वाई का कोएफिशिएंट है ना देखिए ए वाई है उसके पहले जो नंबर है उसको बोलते हैं बी वन तो यहाँ वो क्या है माइनस टू सी वन नहीं दिया है तो जीरो ले लेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए टू हो जाएगा थ्री बी टू हो जाएगा फोर और C2 हो जाएगा माइनस ट्वेंटी ओके तो आपको सब कुछ एल में लिखना है आर में सिर्फ जीरो होना चाहिए ये ध्यान दीजिए तो अब हम इसको ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू से कंपेयर करेंगे देखेंगे क्या आ रहा है यहाँ वन है और यहाँ पे थ्री है सो वन बाई थ्री इजिकल टू डाल देते हैं बी वन है माइनस टू और बी टू है फोर सी वन क्या है जीरो मतलब वो पूरा जीरो ही हो जाएगा तो इसको लिखते नहीं है जीरो लिखते हैं देखिए तो, तो ये वन बाई थ्री है ये माइनस टू बाई फोर है इसको कैंसिल भी करें सिंपलीफाई तो ये माइनस वन बाई टू आएगा सो so, क्या वन बाई थ्री वन बाई टू से इक्वल है नहीं सो वन बाई थ्री इज नॉट इक्वल टू माइनस वन बाई टू टू नहीं है भाई तो चल नहीं है मतलब क्या है यस इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन है ना है ना इजी तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्टिंग लाइन और इसके कितने सोल्यूशन होंगे सिर्फ एक सोल्यूशन होगा कितना सोल्यूशन होगा ओनली वन सोल्यूशन सोल्यूशन माने एक्स और वाई का वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू सिर्फ एक ही होगा ठीक है तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो उसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन होता है वन सोल्यूशन चाहे उसको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्टिंग लाइन हैज ओनली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ ओके सो ये हमारा क्वेश्चन है मान लेते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन अच्छा इज इक्वल टू नाइन और ये है फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन अच्छा उफ, ओके यहां लिख देता हूँ, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो ओके तो देखिये मैंने जो बताया था सबको एल एच एस में लाइए तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इजिकल टू जीरो और ये ऑलरेडी पूरा एल एच एस में तो यहाँ देखिए ए वन बी वन सी वन लिख लीजिए ए वन क्या है टू बी वन है थ्री सी वन है माइनस नाइन और यहाँ ए टू फोर है बी टू सिक्स है राइट और सी टू है माइनस एटीन है ना ये तो आप जान ही गए होंगे एक्स के पहले जो है वो ए वन है Y के पहले हमारा बी है और जो लास्ट में अकेला है वो सी है उसी तरह यहाँ तो इनका रेशियो लिखिए ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू ओके अब देखिए ए वन क्या है टू यहाँ पे है फोर इधर पे है थ्री यहाँ पे है सिक्स यहाँ पे है नाइन माइनस नाइन और यहाँ पे माइनस एटीन तो इतने पे ही नहीं छोड़ देना सब्सटीट्यूट कर दिए देखे कि अरे कोई तो इक्वली नहीं आ रहा है तो नहीं भैया आप गलत हो जाओगे इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है ओके तो देखिए सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं हाँ टू वन जो टू टू जो वन बाई टू आएगा यहाँ भी थ्री वन ज थ्री टू भी वन बाई टू आएगा सिंस माइनस दोनों में कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये नाइन टू जटीन वन बाई टू मतलब तीनों के तीनों क्या है वन बाई टू है मतलब तीनों इक्वल है साथ साथ है ये हम साथ साथ है यहाँ पे चल रहा है राइट तो हम साथ साथ है किस पे होता है जब दोनों लाइन एक साथ हो एक ही के ऊपर हो तो इसको क्या बोलते हैं को इंसीडेंट लाइन कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करेगा ये को इंसिडेंट लाइन राइट और इसके कितने सोल्यूशन होंगे मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगे इट विल बी मेनी सोल्यूशन क्यों देखिए इसको कैसे याद रख सकते हो एक ही के ऊपर दूसरा लाइन है तो हर जगह हर पॉइंट पे मैच हो रहा लाइन इसीलिए इट हैज मेनी सोल्यूशन ये याद रखिएगा ओके okay? अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे ओके ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको सबको एल एच एस में लाना है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस टू वाई और ये माइनस फोर इजिकल टू जीरो होगा और यहाँ पे क्या होगा टू एक्स माइनस फोर वाई क्या हो जाएगा प्लस फोर वाई और प्लस ट्वेल्व हो जाएगा माइनस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो तो सेम ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू करिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे ए वन वन है और यहाँ पे टू है वन बाई टू आएगा यहाँ पे बी वन टू है और यहाँ पे बी वन फोर है तो टू बाई फोर आएगा यहाँ पे सी वन माइनस फोर है यहाँ पे सी टू है माइनस टूवेल्व तो इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको कर सकते हैं वन बाई टू आएगा और ये वन बाई थ्री आएगा राइट तो क्या आया फाइनल वन बाई टू वन बाई टू बट दिस इज नॉट इक्वल टू वन बाई थ्री मतलब सिर्फ पहले के दो तो पहले दो की कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल दो पैरेलल में कितने लाइंस होते हैं दो तो देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैरल लाइन्स और सिंस ये पैरल कहीं भी मीट नहीं हो रहे हैं राइट right? तो इसीलिए इसके नो no सोल्यूशंस होंगे मतलब एक्स और वाई का वैल्यू ही नहीं होगा जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई जीरो जैसा आ जाता है ओके सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया अब ये लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगा ठीक है उसको आप सॉल्व करिएगा और उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ठीक है तो उसके पहले ये जान लीजिए ओके सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं इसको आप ट्राई करिए ठीक है थीके? ओके और ये इंपॉर्टेंट नोट समझ लीजिए इसको आप याद कर लो अच्छे से मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ देखिए तो एक है पैरल लाइन दूसरा है इंटरसेक्टिंग लाइन और तीसरा क्या है को लाइन ठीक है नाम भी चलिए मैं लिख देता हूँ ये पैरल है पैरेलल लाइन है ये को नहीं है सॉरी इंटरसेक्टिंग है इंटरसेक्टिंग है और ये है को तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ फर्स्ट टू इक्वल होगा राइट ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू तीसरा वाला इक्वल नहीं होगा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग मतलब कोई इक्वल नहीं होगा ए वन बाई ए टू क्वल टू बी वन बाई बी टू और यहाँ पे तीनों ये साथ साथ वाली कंडीशन है तो ए वन बाई ए टू विल बी इक्वल टू बी वन बाई बी टूटीवल टू सी वन बाई सी टू ओके अब आगे देखिए यहां देखिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे पैरल लाइन के देखिए दो यहाँ पे सिर्फ दो इक्वल्स हैं ये फर्स्ट टू राइट यहाँ पे एक भी इक्वल नहीं है और यहाँ पे सारे के सारे इक्वल है तो ये क्या है कहीं भी एक ही जगह मीट हो रहा है दोनों लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे ऐसे तो एक लाइन पे एक पॉइंट पे मीट होगा इसीलिए इसके सिर्फ वन सॉल्यूशन है ओनली वन सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन चाहे उसको यूनिक भी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन ओके यहां को इंसिडेंट में क्या हो रहा है दो लाइन एक ही के ऊपर है दोनों एक दूसरे के मतलब बहुत जगह पे मिल रहे हैं इसीलिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे इसके मेनी सोल्यूशन होंगे और यहाँ पैरल में ये लाइन कहीं मैच नहीं हो रहा है कहीं मिल ही नहीं रहा बस ये जाते ही रहेगा फटका हुआ इंसान की तरह तो इसीलिए उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता भटके हुए इंसान की कोई मंजिल नहीं होती वाह तो ऐसे आप याद रख सकते हो ठीक है पैरल विल रिप्रेजेंट नो सोल्यूशन तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ओके और हाँ पसंद है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए कमेंट करके होमवर्क आंसर ज़रूर दे दीजिएगा आने वाली वीडियोस में मैं बाकी के जो हैं टॉपिक्स इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा सो टिल देन टेक केयर बाय अ गुड डे एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन टेक केयर